My name is Agla Wilmanson, said the young girl. अब उस यंग गर्ल ने अपना इंट्रोडक्शन देखते हुए कहा कि मेरा नाम जो है Agla Wilmanson है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे फादर घर आए थे और उन्होंने बताया कि आप जो है यहाँ पर आज वर्कशॉप में सोने की लिए इंटरेस्टेड हैं, और मैंने उनसे जो है परमिशन मांगी और मैं आपको यहाँ से अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आपका इस वक्त जो है एक तकलीफ का दौर गुजर रहे हैं, या आप इतनी बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड. अब वो जिस तरह से बड़े अफेक्शन से जो है वो उनकी तरफ देख रही थी, उसके हृदय में जैसे उनको लेकर एक दर्द भी था, लेकिन तभी उसने देखा कि जो वो इंसान है वो सामने वाला घबरा रहा है, डरा हुआ है. Either he has stolen something or he has escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Or please stay with us over Christmas Eve. अब उसने जिस तरह से उसने आदमी को देखा कि वो डरा हुआ है, तो उसको देखने से ऐसा उसके मन में विचार आया है कि जैसे मानो या तो इसने कोई चीज चोरी करी है या फिर ये जेल से भागा हुआ है. तो उसने कहा कि तो आप चिंता मत करिए कैप्टन, आप आराम से जैसे जाएंगे वैसे ही आप वापस भी आ जाएंगे, बस खाली क्रिसमस ईव के लिए आप हम लोगों के साथ घर चलें. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. अब जिस तरह से उसने इतने बड़े प्यार से उससे कहा रैट ट्रैप पेडलर से, तो उसको एक उस तरह से उसमें भरोसा सा हुआ. उसको लगा कि ठीक है, ये जो कह रही है गलत नहीं है. उस जिस तरह का उसका बोलने का तरीका था, व्यवहार था, उससे रेड ट्रैप पेडलर को भी जो है उसके प्रति थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस. अब उसने कहा कि मुझे ऐसा उम्मीद नहीं थी कि आपको इतनी मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी, मैं आपके साथ जो है जरूर चलूंगा. ही एक्सेप्टेड द फर कोट व्हिच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू हिट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज without granting the astonished blacksmith so much as a glance. अब उन्होंने जो है फिर क्या किया, वो जो वैलेट यानी जो मेल अटेंडेंट उनके साथ था, उसने सिर झुकाया, मतलब जैसे एक ऑनर में नीचे करते हैं सर, वैसे उसने जो है उनको सलाम किया, उनको जो है फर कोट दिया, वो जो उसने अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर डाल लिया और फिर यंग लेडी के पीछे पीछे उसके जो कैरियज था उस वहां चल दिया. और उसने जो है ये जो ब्लैक स्मिथ वगैरह थे जो उसको बड़े चकित होकर देख रहे थे, उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. अब जब वो जो है उनके घर की तरफ जा रहा था, अब उसके मन में ये एक तरह से बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ गलत तो नहीं होने वाला है. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in that trap and will never get out of it. अब उसको दिमाग में आ रहा था कि मेरे को सोच ऐसा क्या हुआ जो मैंने जो है उस आदमी के पैसे चुरा लिए थे, अब मैं खुद भी जो हूँ एक ऐसे जाल में फंस गया हूँ जिससे मैं शायद ही कभी निकल पाऊंगा. उसके ऐसे दिमाग में बातें चल रही थी. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हुम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली. अगली शाम जो है क्रिसमस ईव की थी, और जब आयरन मास्टर जो थे वो जब डाइनिंग रूम में आए ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो जो है बड़ी तसल्ली थी उनके एक मन में ये सोच के कि उनका जो पुराना रेजिमेंट का कॉमरेड था जिससे वो अचानक से ही मिल गए, उसको सोच के उनको जो है बड़ी एक तसल्ली हो रही थी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल. उन्होंने कहा सबसे पहले तो इस आदमी को कुछ है खिलाया पिलाया जाए, मतलब जैसे है कि इतना सूख गया है, इतना ज्यादा हड्डी वाला ढांचा बन गया है कि इसको पेट में जैसे खाने को कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले हमें इसको जो है कुछ खिलाना पिलाना चाहिए. ये बात उन्होंने जो है डॉटर से कही जो कि टेबल को लगाने में या टेबल सेट करने में बिजी थी. एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेस्टोरेंट्स. और फिर हमें जो है सोचना होगा कि हम इसको और ऐसा क्या करवा सकते हैं जिसकी वजह से इसको पूरी कंट्री में घूम घूम के रेड ट्रैप्स को ना बेचना पड़े. इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एजुकेटेड मैन. अब वही होता है ना, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं वैसे ही उसकी डॉटर ने भी कहा कि हाँ इनके साथ काफी बुरा हुआ जो आज इनकी ये हालत हो गई है,
कल जब मैं इनको लेने गई थी तो मेरे को बिल्कुल भी देखकर ऐसा अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये कोई और कभी इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई भी की होगी, ये पढ़े लिखे आदमी होंगे। यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, सेड द फादर, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने जो फादर थे उन्होंने अपनी लड़की से कहा कि नहीं, तसल्ली रखो, पेशेंस रखो, अभी जब ये नहा धो लेंगे, अच्छे से कपड़े पहन लेंगे तो तुम देखना ये बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरस्ड, पिछली रात वो खुद भी जो है काफी एम्बैरस फील कर रहे थे। द ट्रैम मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम क्लोथ्स, जिस तरह का उनका बिहेवियर था वो भी एक तरह के कपड़ों के साथ जो है चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, अब जैसे ही उन्होंने ये बात कही तभी दरवाजा खुला और जो स्ट्रेंजर थे वो अंदर आ गए। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो पूरी तरह से साफ हो चुके थे और काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वैलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, वो जो मेल अटेंडेंट था उसने उनको नहलाया था, उनके बाल वाल कट करके और उनकी शेविंग कर दी थी। Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. अब वो जो है बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि उन्होंने जो है iron master के ही कपड़े पहने हुए थे। He wore a white shirt and a starched collar and with and whole shoes. अब उन्होंने जो है एक सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसका जो कॉलर था वो काफी स्टिफ था, स्टार्च लगा हुआ, और उन्होंने जो है जूते पहने हुए थे। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. अब एक तरफ तो जो गेस्ट था वो इतने अच्छे से तैयार होकर सामने आया, पर जो आयरन मास्टर थे अब उनको खुशी नहीं हुई उसको देख के। He looked at him with puckered brow and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake, but that now where he stood there in the broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance. क्या हुआ, उनकी भौंहें तन गई, जैसे उन्होंने उसको देखा तो उनकी एकदम से भौंहें तन गई क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि इन्होंने इस किसी स्ट्रेंज फेलो को कल भट्टी की रोशनी में जो देखा था तो शायद इनसे गलती हो गई, ये किसी अपने पुराने दोस्त के लिए सोच के उसको मिस्टेक कर गए, पर अब जब ये जो बिल्कुल दिन की डे लाइट है इनके सामने खड़ा है तो ये इनका जो पुराना दोस्त जिसको ये सोच के लाए थे ये एक्चुअल में वो नहीं है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, एकदम से ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है, ऐसे करके उन्होंने जोर से बोला। The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. अब वो जो stranger था, उसने कुछ भी नहीं एकदम से जैसे रहता ना, एकदम से परेशान हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसको समझ में आ गया था कि हाँ, जिस खुशी की मैं उम्मीद कर रहा था वो जो है अब समाप्त हो गई है क्योंकि शायद इन्हें पता चल गया है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे ये सोचकर लाए हैं। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. And I pleaded and begged to be allowed to stay in the fort, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. तो उसने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने कहा, क्योंकि मैंने नहीं आपसे कहा था, मैंने नहीं शो किया था कि मैं जो हूँ कुछ और हूँ, मैं तो एक पुअर ट्रेडर था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आपसे ये कह रहा था कि मुझे जो है इस वर्कशॉप में रात में रहने को दे दो, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपने पुराने कपड़े पहनकर यहाँ से जा सकता हूँ। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in that matter. अब वही था क्योंकि आयरन मास्टर को धोखा हो गया था, वो किसी और को सोच के इनको ले आए थे, तो उनको आयरन मास्टर को अब एक तरह से उस आदमी पर वो नहीं हो रहा था विश्वास, तो उन्होंने कहा ये कोई सही ईमानदारी वाली बात नहीं रही, तुम्हें एडमिट करना चाहिए था कि तुम वो नहीं हो, और साथ ही साथ अब तुम जो है अगर तुम्हें भी इसका भी अचंभा नहीं होगा कि अगर मैं शेरिफ को बुला लूं और वो तुम्हारे को इस बारे में कुछ कहे। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, अब वो जो ट्रैम्प थे उन्होंने जो है एक कदम आगे बढ़ाया और टेबल पे जो है अपनी मुट्ठी से एक हाथ मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, अब उनने कहा मिस्टर आयरन मास्टर मैं आपको बताता हूँ कि चीजें कैसी हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि पूरी दुनिया और कुछ नहीं है बट एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट द चीज रिंग्स एंड बिट ऑफ पॉक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और ये जो आपने जितनी भी अच्छी चीजें मेरे को ऑफर करी ये कुछ नहीं था बल्कि जैसे हम चूहे को पकड़ने के लिए उसकी चीज या पॉक के टुकड़े लगा देते हैं, सेम वे आपने भी जो है मेरे को इस तरह से अच्छा वो करा कि ताकि एक जो पुअर आदमी है वो जाल में आपके फंस जाए। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस
Then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will be caught in the trap. अब अगर आप जो है मेरे इस टाइम पे शेरिफ को बुलाते हैं और मेरे को इस बात के लिए जेल में डलवा देंगे तो फिर मिस्टर आयरन मास्टर मेरी भी एक बात याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद भी एक बहुत बड़े पीस ऑफ पॉर्क यानी कि किसी ऑफर के लिए आप भी जो है हो सकता है जाल में फंस जाएं। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। तो वो जो आयरन मास्टर थे वो जोर से हंसने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। But now get out of here as fast as you can। तो उन्होंने जो बात कही उसको सुनकर आयरन मास्टर हंसने लगे और ने कहा हाँ जो तुमने कहा इतना बुरा भी नहीं है और अब तो मैं चाहूंगा चलो ठीक है शेरिफ को छोड़ दो उन्हें अपने आप क्रिसमस ईव मनाने दो लेकिन अब तुम जो हो जितनी जल्दी से हो सके यहाँ से चले जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door। जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलकर जाने लगा तो वो जो लड़की थी उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये आज हमारे साथ शाम को रुके और मैं इनको नहीं चाहती कि ये यहाँ से जाएं। और ऐसा कहकर उन्होंने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing, said the father। तो अब जैसे फादर को ये लगा कि एक तो मैं इसको बाहर भेज रहा हूँ और ये मेरी जो डॉटर है इसको रोकने की कोशिश कर रही है तो बोल रहे तुम किस दुनिया में खोई हुई हो। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer। That morning she felt happy, so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry lad. She could not get away from the idea all at once and that was why she has interceded for the vagabond. अब हुआ क्या था कि सुबह जैसे जब वो उठी थी सोके तो उसको इतनी खुशी हुई थी कि पहले उसे समझ में नहीं आया कि इस बात का वो अपने फादर को क्या जवाब दे। उसको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हुआ लेकिन साथ ही साथ वो सुबह से जब उसको एक क्रिसमस ईव थी वो बहुत खुश थी कि आज बिल्कुल घर जैसा फील हो रहा था। उसे पता है कि ये जो आए हैं इनको इतनी भूख लगी हुई है कि हमें इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊंगी। और तभी वो जो एक दिमाग में उनकी सब चीज़ें चल रही थी अचानक अगर इनको भेज दिया जाता तो उनके जो माइंड में चीज़ें थी वो निकली नहीं। तो इसने कोशिश करी कि उसको जो है आज रोक लिया जाए। I am not thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. मैं यहाँ पर इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, उस यंग लड़की ने कहा कि पूरे साल भर ये आदमी चलता रहता है और शायद कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है पूरी कंट्री में जहाँ पे इसका कोई स्वागत करता हो या इसे घर जैसा ट्रीटमेंट देता हो। Whenever he turns, he is chased away. जब भी ये कभी मुड़ के भी देखता है तो हमेशा ये भागता ही रहता है या इसके कोई पीछे भाग रहा होता है। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. हर वक्त इनको डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कोई पकड़ के ना ले जाए या मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करे। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आज का दिन जो है ये हमारे साथ शांति से और अच्छे से गुजारे, जैसे पूरे साल में सिर्फ एक दिन ही तो है, तो ये इसे मैं चाहती हूँ अच्छे से हम लोगों के साथ रहकर गुजारे। The Iron Master mumbled something in his fear. He could not bring himself to oppose her. अब वो होता है ना कि जैसे आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी छू के कुछ बुदबुदाने की कोशिश करी लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो जो है अपनी बेटी का विरोध कर सके। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised to Christmas cheer. मानती हूँ मैं ये कि गलती थी लेकिन अब इसका कोई ये बात मेरे को नहीं समझ में आती कि हम एक इंसान को जिसे हमने खुद कहा कि तुम हमारे घर घर चलो और क्रिसमस ईव को मनाओ उसी को हम कहें कि नहीं अब तुम चले जाओ यहाँ से। You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. इस वक्त तुम जो बातें कह रही हो तुम्हारी बातें बिल्कुल एक जो पादरी होते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा उनके उपदेश से बुरी लग रही हैं। आयरन मास्टर ने कहा बस मुझे खाली उम्मीद ये है कि तुम इसके वो बाद में पछताना ना पाए। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। फिर वो यंग गर्ल जो थी उसने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसको टेबल के पास ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब उसने जो है कहा कि ठीक है आओ बैठो और खाओ क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर तो जो है वो तो कुछ करेंगे नहीं।